सर, आज आज आपके यहाँ इस पुलिस स्टेशन वृक्षारोपण किया जा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे खड़ौदा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय हिंदू संघ के महिला आगेवान श्री रचनाबेन पटेल आए हैं। उनके तरफ से तथा उनके जो स्टाफ है वो यहाँ पर आके हर साल की तरह इन लोगों ने इस बार भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, जो काफ़ी सराहनीय है। पर्यावरण को वृक्ष से जो फायदे होते हैं वो अच्छे भली भांति समझते हैं। इस हेतु से हमारे प्रांगण में हम लोगों का बहुत पहले से आयोजन था इस तरह के कुछ काम करें जिससे पर्यावरण में अच्छा लगे। इसके अंतर्गत आज उन्होंने अपनी टीम को लेकर आए, हमारी भी पुलिस टीम आई है, हम लोग भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। नाम है जयदीप पटेल। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है क्या उद्देश्य? हम लोग राष्ट्रीय हिंदू संघ से है, राष्ट्रीय हिंदू संघ युवा मोर्चा सूरत जिला से। हम लोग आज यहाँ पे खतौदरा पुलिस स्टेशन आए हैं, यहाँ हम लोग आज वृक्षारोपण कर रहे हैं पर्यावरण बचाओ का संदेश देने के लिए। इधर पुलिस स्टेशन में हम लोग वृक्षारोपण करने आए हैं। अच्छा, सूरत के अंदर आप किस जगह आप वृक्षारोपण किए? हम लोग ने सूरत के काफ़ी तरह पुलिस चौकी में हम लोग ने किया, पुलिस स्टेशन नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन, अड़ाजर पुलिस स्टेशन, मुंगरा पुलिस स्टेशन। अभी आज हम खतौदरा में करने आए हैं ताकि हम पर्यावरण का एक संदेश दे सकें कि वृक्षारोपण कीजिए और हरियाली फैलाएं। अच्छा, सूरत में रहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कुछ भी करिए, आप अपने घर में एक वृक्ष रोपिए ताकि आपको कभी भी ऑक्सीजन की और इसकी कमी ना पड़े और प्रदूषण से आप मुक्त रहें। हम यही संदेश देना चाहते हैं सूरत वासियों से कि सब लोग एक एक पेड़ वृक्ष रोपिए, एक एक वृक्ष को रोपिए ताकि आप आगे बढ़ सके और देश अच्छा रह सके। मैं रचना पटेल, राष्ट्रीय हिंदू महिला मोर्चा संघ की प्रेसिडेंट। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने खटोदरा पुलिस स्टेशन से रखा हुआ है, जो मोदी जी के आयोजन के हिसाब से जो उन्होंने उद्देश्य रखा था उस हिसाब से हमने करा है। जो ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रहा है और हवा के लिए जो प्रदूषण बोल रहे हैं और जंगल कट रहे हैं, उसके लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। अच्छा, सूरत में रहने वाले समस्त सूरत में और लोगों क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से? हमारी संस्था के माध्यम से सूरत के सभी लोगों को बोलते हैं कि आप जहाँ भी चाहो, जहाँ देखो, वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम ज़रूर करिए। और मैंने भी मेरी टीम के साथ ये कार्यक्रम रखा है और मेरी पूरी टीम ने सहयोग दिया, पुलिस स्टेशन ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया हमें और ये कार्यक्रम सम्पन्न करवाया।